भी है नेतागण, और मेरे इधर बैठे हुए सब हमारे महानुभाव पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, मोर्चाओं के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा जिस तरीके से यहाँ जम के बैठी हुई है, सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ आप लोगों ने जो पुजाई बदल दी है, आप सबको मेरी तरफ से आपकी ओर से बहुत बहुत आभार और बहुत सारा प्यार। अब अशोक गहलोत को कितना डराओगे? मेरी बात सुन लो, आपको एक बहुत खुशखबरी सुना दूं। वैसे तो आप लोग टीवी तो देखते ही हो, परंतु आज 75 पैसे लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। मेरे को मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी ने कई महीने पहले ये कहा था कि एक महीने के अंदर ही हम ये महंगाई को बिल्कुल ही कम कर देंगे। कम हो गई, कम हो गई। चाय के दाम ऊपर, पेट्रोल के दाम ऊपर, डीजल के दाम ऊपर, आपके खाद के दाम ऊपर, बिजली के दाम ऊपर, पानी बचाए और पानी मिलता नहीं है, तो इसलिए उसके दाम तो है नहीं। परंतु अगर उसके दाम लग सकते थे तो मैं सोचती हूँ कि आपको उससे भी वंचित कर सकते। हर चीज के अंदर अब जब वो आपका मुखिया दिल्ली में बैठा हुआ वो कहता है कि महंगाई कम कर दूंगा और जल्दी कम कर दूंगा, नहीं कर सका, तो उसके बाद तो नीचे वाले भी वही बात करेंगे और उससे नीचे वाले भी वही बात करेंगे, और राजस्थान उसी तरीके से जैसे गड्ढे में पड़ा है, उस गड्ढे से बाहर नहीं जाएगा। मैं अब आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप लोग थोड़ा हट जाइए, मैं उनसे बात। हमने अपने समय के अंदर, आप लोग हमने अपने समय के अंदर किशनगढ़ को भरपूर पानी देने के लिए 170 करोड़ रुपया एक अच्छी योजना बनाई और 4 साल में कांग्रेस ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। 170 करोड़ का हमने आपके लिए योजना बनाकर छोड़ी थी, आप लोग सबको मालूम है, परंतु वो योजना को खाली आगे बढ़ानी थी, पैसा भी था, सब कुछ था, बस थोड़ा सा इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करके यहाँ सबको पानी पिलाने की दिल के अंदर लड़क होती तो मैं समझती हूँ कि आज तक 4 साल में उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए थे सब लोगों को पानी मिल जाता, परंतु वो नहीं हुआ। आज किशनगढ़ की जनता को रोज रोज पानी मिलता है क्या? 2 दिन में पानी मिलता है क्या? मेरे हिसाब से जो मेरे को मालूम पड़ा है 3 या 4 दिन के अंदर एक बार पानी मिलता है। मैं यहाँ से निकल के गई तो मैंने देखा आपका इतना बड़ा जलाशय है, मैंने देखा कि हम लोगों ने बीजापुर से भी पानी लाने का इतना बड़ा काम किया, मैंने देखा कि पानी की मुसीबत अपने को नहीं हो सकती थी, परंतु इच्छा शक्ति की हमको मुसीबत हुई और अगर हमने वो पानी इस्तेमाल कर दिया होता तो जगह जगह पे माताएं बहने आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं होती। मैं आज 2 महीने हो गए चलते चलते, एक गाँव एक शहर ऐसा मुझे नहीं मिला है माता बहने जहां पानी सही हिसाब से लोगों को मिल रहा है, पानी 2-2, 3-3, 4-4 एक गले जो 7-7 दिन तक नहीं मिल रहा है, टैंकरों का माफिया बढ़ता चला जा रहा है, पैसे से पानी खरीदा जा रहा है, और माता बहने जहां पानी अगर मिल भी जाता है तो फ्लोराइड युक्त पानी है, लोग बीमार हो रहे हैं, कुबड़े हो रहे हैं, दांतों के अंदर बिल्कुल कालापन आ रहा है। इस तरीके से आज पूरे राजस्थान के अंदर पानी की हाहाकार मची हुई है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये लिखा हुआ आया 2011-12 के अंदर 330 करोड़ रुपया इस सरकार को भेजा गया था कि तुम पानी का इंतजाम कर लेना, और मालूम है क्या किया उन्होंने? 24 करोड़ रुपया तो इस्तेमाल किया और 306 करोड़ रुपए उनके लैप्स हो गए। 306 करोड़ रुपए माता बहने, मेरे सब बुजुर्गण सोचो 306 करोड़ रुपया कितना पैसा होता है। 2012-13 के अंदर 600 करोड़ रुपया मिला, 600 करोड़ रुपया में से पानी के लिए 29 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया और 580 करोड़ रुपया वापस चला गया। अब गिनो, 580 करोड़ और 300, 880 करोड़ रुपया अगर लग जाता तो कितने लोगों को राहत मिल जाता। 2013-14 के अंदर सोचो कितना पैसा मिला,
1200 टोटल 1300 करोड़ मिले, 1300 करोड़ में से 56 करोड़ इस्तेमाल किए हैं और अभी अभी आने वाली है आपकी वो आचार संहिता, और ये समझो कि करीबन 1240 करोड़ रुपया वापिस जाएगा भाइयों, 1240 करोड़ रुपया, और उसमें जोड़ो आप 880 और सोच लो कि 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने वैसे ही लैप्स होके वापिस जाने दिया है। कितनी पापी सरकार है, आप एक मिनट के लिए सोच लो कितनी पापी है। ये आप लोगों को पानी आराम से पिला सकती थी, परंतु मन नहीं था, आराम से सो रहे थे, भाई बतूजा बात चला रहे थे, आप लोगों को होटल बना के अपने बच्चों को लगा रहे थे, आप यहाँ का खानों का एक दूसरे के एक बीच में आवंटित कर रहे थे, आप गरीब की भूमि को लेके अपने जेब में रख रहे थे, जगह जगह पे आप ये देखिए गांव की ओर जो प्रशासन जा रहा है, मैं देख रही थी वहां शाहपुरा के पास, उन लोगों ने मुझे कहा रात के 2-2 बजे कैंप चल रहे हैं, और क्या हो रहा है रात को 2 बजे 38 पंचायत में से 11 पंचायत के अंदर ही जमीन का वो हुआ है धंधा, और 27 आपके पंचायतों के अंदर कोई काम ही नहीं हुआ, और जो बांटा गया है वो जमीन बांटी गई है हमारे बीच में ही, हमारे भाई भतीजों के बीच में, अरे तुम ले लो तुम ले लो, रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये काम होता है। अब सोच लो आप लोगों को जगह जगह आप लोगों को भी नहीं देखा होगा, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि बिजली तो आप लोगों को अच्छी मिल रही होगी, बड़ी अच्छी बिजली, क्या वो जनरेटर की आवाज, हमारे स्टेज के पीछे कोई जनरेटर लगाए क्या, मैं सोच रही हूँ क्या अच्छी बिजली आप लोगों को मिल रही है। मैं तो जब 2008 में छोड़ के गई थी तो 22 घंटे 20 घंटे गांव में घरेलू बिजली का जो अलग लाइन हमने लिया था वो हमने काम करके आपको दिया था, और मैं 2008 से लेके आज तक अपने जो गांव में घूम रही हूँ, मैंने गांव वालों से पूछा तुमको तो बड़ी अच्छी बिजली मिल रही होगी, आपसे भी यही पूछ रही हूँ, सब आदमी ने मेरे को कहा घरेलू बिजली हमको नहीं मिल रही है, और अगर मिलती है तो 7-8 घंटे मिलती है, और वो भी इतनी जोरदार ट्रिपिंग के साथ कि इसका कोई मतलब नहीं है, रात रात को कभी कभी बिजली मिल जाती है तो हमारी रात निकल जाती है, नहीं तो जिस तरीके से आपने हमको बिजली दी थी वो बिजली हम पूरा नहीं कर सकते। किसानों से मैंने पूछा, और जो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ, किसान भाइयों को 8 घंटे बिजली मिल गई, अरे भैया हर चीज के ऊपर ऐसा मत करना, 8 घंटे बिजली मिल गई आपको, मेरे को बताया 2 या 3 घंटे और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ, और अगर कहीं गलती से ट्रांसफार्मर बिगड़ गया तो वो 72 घंटे में जैसे हमारे समय में मिलता था वैसे नहीं मिलेगा, अब वो मिलेगा 2 महीने के बाद, और 25,000 रुपए दे जाओ जरा थोड़ा सा रिश्वत हो जाए, अगर वो रिश्वत दोगे तो हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। ये माता बहने आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मैं पूछना चाहती हूँ कि लंबे समय से 100 बेड का अस्पताल जो यहाँ है उसमें 7 तो डॉक्टरों की कमी है, इतना बड़ा एरिया किशनगढ़ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर अच्छा अस्पताल है, उस अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, तो फिर मुफ्त दवाई कैसे मिल रही है आपको, मिल रही है क्या, और मुफ्त जांच कैसे हो रही है, हो रही है क्या। मैं तो जयपुर में पढ़ती हूँ तो बताया जाता है कि मुफ्त जांच मुफ्त दवाई आराम में है हमारी जनता, उसको कोई मुसीबत ही नहीं, और मैं गांव में जाती हूँ तो वो कहता है कि डॉक्टर नहीं है तो मेरी जांच होगी कहां से, मेरी को दवाई मिलेगी कहां से, ये बात आज एक एक के लम्हे पे है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सड़कें तो बहुत अच्छे बन गए यहाँ पे, मैं उस बस के अंदर चल रही हूँ, मैं तो सबको कहती हूँ कि किसी को खाना खा के उसको पचाना है तो आओ मेरी बस में बैठो और इन सड़कों के ऊपर चलो और देख लो क्या मजा आता है, एक गड्ढे से दूसरा गड्ढा, दूसरे से तीसरा गड्ढा, ऐसे सड़कों का हाल जो मैंने कभी भी 2003 और 2008 के अंदर नहीं देखा, आज मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि गली गली गांव गांव जाने को मौका मिला, मैं देखा ये हो क्या रहा है, और सड़क बन भी गई, अभी मैं टोंक गई थी तो बहुत सुंदर काली काली दिखती हुई डामर की सड़क, मैंने कहा देखो वाह कितना अच्छा काम कर दिया इस सरकार, तो मेरे साथ जो टोंक के लोग बैठे थे वो हंसने लगे, उन्होंने कहा चलो तो थोड़ा आगे चलो, आगे गए तो एक छोटा गड्ढा और आगे गए तो एक उससे बड़ा गड्ढा और आगे गए तो उससे, मैंने पूछा कि कितने महीने हो गए,
उनने कहा 6 महीने हो गए और बरसात नहीं आई है, अब बरसात आएगी तो पूरा का पूरा ही उठ जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा कि जो पैसा लिखा जा रहा है उसमें से कितना पैसा रोड पे लग रहा है और कितना पैसा जेब में जा रहा है। यह आप लोग सबको देखने की जरूरत है। शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से आज बिगड़ी हुई है। जगह जगह पे विकास का विकास के नाम पे सड़कें खुद ही पड़ी हुई। आप इधर चाहो तो सड़क खुद ही, और कहो क्या क्या हो रहा है, तो अरे विकास का काम हो रहा है, सड़क खुद ही पड़ी है। और आप लोग सबको ये बार बार कहा जा रहा है, अरे माता बहने किशनगढ़ में मार्बल का उद्योग एक बहुत बड़ा धंधा है। मैं देख रही थी जब मैं दिल्ली में थी तो मार्बल का उद्योग के लिए हम लोग लगते थे और कोशिश ये करते थे कि जितना भी हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं उस मदद करने में हम पूरी तरह से सामने रहे। हमने उस उद्योग का मदद किया, परंतु आज मैं देख रही हूँ राजस्थान के सब उद्योग उठ उठ के बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं है, सड़क नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसे प्रदेश के अंदर हम अपना पैसा लगाकर क्या मरना चाहते हैं। कोई गुजरात जा रहा है तो कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, बस हमारे प्रदेश को छोड़ के जा रहा है, कोई उत्तराखंड जा रहा है। मैंने सब लोगों को हाथ जोड़ के ये कहा क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर हम अपना उद्योग लगाएंगे तो मरने ही जाएंगे, अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हमने अपने समय के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी दी, पहले पढ़ाया लिखाया, उनको बड़ा करो अपने पैर पे खड़ा किया और 10 लाख नौकरी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां आपने देखे, उनको आगे बढ़ाया। अभी गुलाब जी ने आपको बताया कितनी नौकरी मिली है, अब इस सरकार ने कितनी नौकरी आप लोगों को दी है। और देने वाले चिंता मत करो, मेरे को अभी किसी ने कहा, मैं केकड़ी से निकल रही थी तो केकड़ी एक दिन पहले मैंने एक गांव के पानी की स्कीम के बारे में कहा, तो अभी मैं बात कर रही थी नसीराबाद में, उन्होंने कहा पानी चालू होने की तैयारी में है, अभी अभी लग रही है। तो मैंने सबको कह दिया कि भैया मुझे बुला लो, मैं उस पर भाषण दे दूंगी और दूसरे दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। इतनी जल्दी में है क्योंकि उनको मालूम पड़ गई कि जो काम हम लोगों ने इतने साल में नहीं किया, अगर हम लोगों ने अब नहीं किया तो हमारा पूरा वोट का मामला बिगड़ जाएगा। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के बीच में जात की लड़ाई खड़ी कर दे, पूरी कोशिश की है कि मजहब की लड़ाई खड़ी कर दे। और मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि विकास किसी भी प्रदेश का नहीं हो सकता है अगर उस प्रदेश के अंदर उसके परिवार के अंदर झगड़ा होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 36 के 36 कौम गले से लगाकर चलने का वायदा है। मैं बताना चाहती हूँ कि उसके मजहब सब मजहब गले से लगाकर चलने का हमारा वायदा है। और माता मेरे, हम आपको सबको कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का वायदा है कि हम पूरी तरह से सरकार में अगर आते हैं आपकी दया से तो क्या हम लोग पानी पर्याप्त और शुद्ध लोगों तक पहुंचाने का सबसे पहले काम करेंगे। ये हमने सबको कह रखा है, किसी के बीच में झगड़ा नहीं होगा। लोगों ने मुझे इसको कहा, इतने साल निकल गए, 53 साल, उधर नरेंद्र मोदी के 15 साल के अंदर दुनिया के अंदर गुजरात का नाम हो गया है। यहाँ के लड़के दौड़ दौड़ के गुजरात जा रहे हैं, हमारा धंधा गुजरात जा रहा है। मैंने सबको कहा 15 साल के अंदर तो दुनिया के नक्शे पे आ गया और 55 साल के बाद हम लोग ऐसे बैठे हैं, आज आंसू पोंछ रहे हैं एक दूसरे के, एक साथ बैठ के रो रो के एक दूसरे को कह रहे हैं हमारा हाल ये है, कौन हमारे हाल से हमको बचाएगा। अरे भाइयों, अब बहुत हो गया, हमने इनके घर बना दिए, हमने इनकी शादियां करवा दी, हमने इनको पूरा सब कुछ दे दिया, इनके खजाने भर दिए, अब हमको किसी की चिंता नहीं है, अब हमको अपनी और राजस्थान की चिंता है। अगर राजस्थान बनता है तो ये मान के चलो कि हम बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये परिवार सब जातियां सब मजहब एक धागे के अंदर एक प्रेम के सूत्र में बांध के प्यार से गले से लगाकर हम लोग जब निकल पड़ेंगे तो एक नया राजस्थान बनेगा, उसका निर्माण होगा, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे बच्चे अपने पैर में पढ़ लिख के खड़े होके रोजगार करके राजस्थान को बनाएंगे। ऐसा नहीं जहां महानरेगा चलता है, जिस महानरेगा के अंदर 1 लाख से कम लोग उनको नौकरी मिलती है, जिनको जो सही पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिनके मुंह से रोटी छीनी जाती है, ऐसा महानरेगा जिसमें 13,000 करोड़ का घपला होता है, ऐसे राजस्थान के अंदर हमको नहीं जीना है। हमको ऐसे राजस्थान के अंदर जीना है जहां लोग दूर से आएंगे, हमारी महिलाएं सुरक्षित खड़ी होंगी, उनके अत्याचार को सहना नहीं पड़ेगा, ऐसे किसान हमारे मजबूत होंगे, मजबूत किसान
जो पानी बिजली सही समय पर लेते हैं और जिनको खाद और बीज सही समय पर मिलता है और जब वो जाते हैं अपना मूल्य फसल बेचने के लिए तो उनको मूल्य सही मिलता है। ऐसा नया और सुंदर राजस्थान हम लोग पैदा करना चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहते क्या? आप लोग भी चाहते हो ना किसान भाइयों? मैं आप लोगों से सिर्फ एक पूछना चाहती हूँ। मेरे को ये बताया कि ओला पाला ये सब हुआ और आपकी फसल नष्ट हुई। जयपुर के अंदर हमने पता किया तो उन्होंने कहा किसानों को किसी चीज की हम मुसीबत में डालते नहीं है। हमने तो उनको बहुत जोरदार मुआवजा दे दिया। मिल गया किसानों को मुआवजा मिला। मेरे को ये कहा कि 1,50,000 का कर्जा हम दे रहे हैं बिना ब्याज का। मिल गया किसानों को? तो जयपुर में तो दुनी बात सुनती हूँ और यहाँ जब आप लोगों के बीच में आती हूँ तो बिल्कुल ही अलग बात है। तो मुझे बताओ आप रेवड़ी बट रही है। मैं तो सबको कहती हूँ रेवड़ी आप ही की है, खाओ ले आप ही का पैसा है और आप नहीं करोगे तो उनके जेब में जाएगा। याद रखना ये जो हाथ है ना ये बड़ा खूनी हाथ है। इसने माता बहनों का अत्याचार किया है और इसने आप सबके जेब को काट काट के अपना सब कुछ भला किया है। इस हाथ से अपने को रहना है दूर। और जब आपके पास आएगा, अभी गुलाब जी ने बताया एक पाक और शरीफ व्यक्ति के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने हार करने की कोशिश की है, तो मैं तो ये भी बता दूं कि CBI से हम लोगों को डराने का कितने दिन से चल रहा है। ये CBI को लगाया और CBI जब नहीं लगी तो आयोग लगाया। आपको याद होगा 4 साल से आयोग मेरे ऊपर बैठा। आखिर में उस आयोग को अपने दरवाजे खिड़की बंद करके जाना पड़ा, बोरिया बिस्तरा भांगना पड़ा क्योंकि कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने सबने जो चुंदड़ी पहनाई है उस चुंदड़ी की इज्जत के ऊपर मैंने आप सबको कहा था कि आपको कभी मैं नीचे देखने नहीं दूंगी और आज दिन तक नहीं देखने दिया है। राजस्थान एक नया राजस्थान। इस नए राजस्थान के अंदर आप सब एक स्वाभिमानी राजस्थान, एक ऐसा राजस्थान जिसको देखने के लिए, जिसको समझने के लिए लोग जिस तरीके से राजस्थान को पहले देखने आते थे वैसे फिर आएंगे, फिर माटी को उठाएंगे, फिर उसको छुएंगे और फिर कहेंगे कि यह है राजस्थान। ऐसा राजस्थान बनाने की तैयारी है क्या? आप लोग सब डरोगे तो नहीं? हिम्मत है क्या? अगर हिम्मत है तो एक जोरदार नारा मेरे साथ। उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ ही खिलवाड़ किया है, ऐसे लोगों को अब तय कर ले कि उस कुर्सी पे बैठने का हक है क्या? अगर नहीं है तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।